चलो ये मीडिया वाले हैं इन्हें गै साड़ी आवाज अगे तक पहुंचा रहे हैं जम्मू अगे तक पहुंचा गए सारे लोग इकट्ठे हो गए जम्मू के लीडर सत्तर साल जो हाँ जम्मू ने कुछ नहीं किया जम्मू ने कुछ नहीं किया लीडर है आवाम साहब भी दे हो सकता अभी साथ देंगे बिल्कुल बिल्कुल साड़ी कमजोरी है ना अच्छे लोग पिछे रह गए सारे नौजवान अनएम्प्लॉय जो बेकार फिर गए पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने कुछ भेजा माँ प्यो ने मुहिम चलाई दी है एकजुट जम्मू अस इंदे कन्ने अस इंदा समर्थन करने सन्नी जम्वाल मेरा नाम है जय हिंद वंदे मातरम आज एकजुट जम्मू पार्टी की वाई इकाई द्वारा कच्ची छोनी में आज हस्ताक्षर अभियान का आरंभ किया गया है बताना चाहते हैं कि सेपरेट जम्मू स्टेट जो कि एकजुट जम्मू की एक सोच है एकजुट जम्मू की सोच है कि जम्मू को हमने जो पीछे 75 सालों से जम्मू को दबाया गया है कश्मीरी हुक्मरानों ने हमेशा जम्मू पर राज किया है और अपने हिसाब से जम्मू को चलाया है डोगरों का कभी भी उत्थान नहीं हुआ है और पिछले कई सालों से कई दशकों से हमारे जम्मू के लोगों के साथ डोगरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एकजुट जम्मू पार्टी के अध्यक्ष श्री अंकुर शर्मा जी हर समय पर इस कोशिश में रहे हैं कि जम्मू के इश्यूज़ पर बात करते रहें और जम्मू को किस तरह से उसको निजात दिलाई जाए इन कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा जिस तरह वो जम्मू पर राज कर रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान का हमने आरंभ किया है लोगों की भरपूर जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है हम लोगों को और जिस तरह पीछे बड़ी बड़ी रैलीज हमने एक संकल्प यात्रा के दौरान की हैं बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं उसके बाद छोटी छोटी रैलीज हमने शहरों में की उसके बाद नुक्कड़ मीटिंग्स हो रही हैं और दिन प्रतिदिन हमने जिन तरह लोगों का समर्थन जिस तरह मिलते जा रहा है उसी संदर्भ में एकजुट जम्मू इस तरफ आगे बढ़ रहा है और लोगों के समर्थन से आज हमने इस हस्ताक्षर अभियान का आरंभ किया है हमारा 51 लाख का एक हमने एक टारगेट बनाया है कि जिस दिन हमें 51 लाख साइन हो जाएंगे उसके बाद हम ये जो पूरा एक पूरा मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जम्मू के लोगों के बहुत पुराने डिमांड है जो जम्मू के लोग कहते रहे हैं कि हमें कश्मीर से अलग किया जाए क्योंकि जम्मू जब तक कश्मीर के साथ रहेगा उसके मौलिक अधिकारों को उसके नैतिक अधिकारों को के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा जम्मू के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार रहेंगे डेवलपमेंट सिर्फ नाम के तौर पर यहाँ रह जाएगी और टैक्स के नाम पर सिर्फ जम्मू हमेशा भुगतान करता रहेगा और जितनी भी क्रीम है वो हमेशा कश्मीर को दी जाएगी उन पत्थरबाजों को हर एक वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी पर जम्मू हमेशा राष्ट्र के नाम पर झंडा उठाता रहेगा और हमेशा यहाँ के इन लोगों का शिकार होता रहेगा टैक्स का शिकार होता रहेगा उसी परिप्रेक्ष्य में एकजुट जम्मू समझता है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए डिलिमिटेशन एक हमारे सामने एक मौका था जिसमें हम जम्मू की सीटें बढ़ सकती थी 2021 के सेंसिस पर सरकार ने जिस तरह हमारे डोगरों लोगों के साथ धोखा किया है हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है उस चीज़ को अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे हमने जो बर्दाश्त